सो हेलो गाइस, क्या हाल आप सभी का। तो देखो ये ग्लो है, ये दो ग्लो है गाइस, ये दोनों ही मैं आपको बना के बताने वाला हूँ। तो इस साइड आप देख सकते हो थोड़ा ये सी ग्रीन टाइप है और इस साइड वाला वॉयलेंट कलर कह सकते हैं। तो ये दोनों ग्लो बनाएंगे, सबसे पहले अपन सी ग्रीन वाला बनाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। और बहुत ही आसान है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये देखो गाइस, ये क्लिप है और आपको जो है इसमें बनाना है। अब आपको सबसे पहला वीडियो इफेक्ट लेना है, नाम है उसका स्मूथ शार्पन, सॉरी शार्पन एज करके नाम है, शार्पन एज। इससे थोड़ा सा आप एक ग्लो है और एक ग्लो है गाइस, उसमें भी ये इफेक्ट यूज़ करते हैं, मैं बनाऊंगा। अभी देखो ब्लर जो है इसमें फुल कर दो और शार्पन जीरो रखना, ठीक है। अभी से करो डुप्लीकेट और शार्पन जीरो रखो। अब इसके अंदर जो है शार्पन को बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन शार्पन तभी दिखेगा जब ब्लर थोड़ा कम होगा। अब ये देखो, अभी इसमें ब्लर जो है वो भी थोड़ा कम रखना और शार्पन ब्लर से कम रखना, ठीक है। और मतलब ब्लर मैंने रखा है 50 के पास और अपन शार्पन को रखने वाले हैं 40-45 के पास, ठीक है। और साइज़ अब देखो इसको जो है फुल करना, इससे थोड़ा सा ऑयली टाइप इफेक्ट इसी से आएगा, साइज़ वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे फुल रखना, मैं आपको बता देता हूँ। और रेंज से गाइज वो साइज़ कितने एरिया में आना चाहिए वो रेंज से होता है, तो इसे अपन 50 कर देते हैं। और फिल्टर गाइज मेरे हिसाब से रखना चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर अपन ये देख लो, हो गया पहले रेंज। अब फिल्टर ये इतना अपन रख लेते हैं, ठीक है। तो फिल्टर से तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो आप फिल्टर जो है लगभग ना भी एडिट करो ना तो भी चलेगा, 100 रख देना, ठीक है। और इसके बाद आपको अब इफेक्ट लेना है लेंस के अंदर एज ग्लो, ठीक है। एज ग्लो ले लो एक बार, उसके बाद अपन क्लिप का जो है एडजस्टमेंट करेंगे। फिलहाल एज ग्लो को मैं एक बार यहाँ पे सेट कर दूँ, ये हो गया सेट। अब अपन जो है क्लिप का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसके एडजस्टमेंट पे जाओ, मेन एडजस्टमेंट में, और थोड़ी सी ब्राइटनेस ही कम करनी है, ज़्यादा नहीं करना यहाँ। और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेना और सैचुरेशन बढ़ाना चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देखो ये ब्रिलियंस से क्या होता है, जो ब्राइट एरिया है उसको नहीं, डार्क एरिया को ये ब्राइट या डार्क कर सकता है, ठीक है। और शार्पन को यहाँ देखो बिल्कुल भी सॉ नहीं करना, मतलब बिल्कुल भी नहीं एडिट करना है, वरना इससे क्या लाइन आ जाती है। सिर्फ क्लैरिटी एडिट करना, थोड़ी सी बढ़ा देना 20 के बाद। अब देखो यहाँ मेन कलर जो है पहले इसे जीरो कर दो, वॉयलेंट को, ये मेन बैकग्राउंड होता है फ्री फायर का, उसका कलर जीरो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसे जिस ब्लू को अपने को ग्रीन की तरफ ले जाना है और लाइटनेस को देखो बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा। और ये जो कलर है इसको अपन हल्का सा ब्लू की तरफ ले जाते हैं और इसकी जो है ना अपन सैचुरेशन और लाइटनेस दोनों कम रखेंगे, ठीक है। इस वाले की जिस पर अभी मैं एडिट कर रहा हूँ, ये पर्पल कलर इसे कह देता हूँ, तो ये जो है इसकी अपन सैचुरेशन कम रखनी है, ब्लू की जो है अपने को बढ़ानी है, ठीक है। तो एक की बढ़ानी है और एक की कम करनी है, इससे क्या होगा कुछ शर्ट के कुछ जगहों पे तो है ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड होगा और ब्राइट होगा और कुछ जगहों की डार्क होगी, तो एकदम सा ऑयली टाइप का इफेक्ट आएगा इससे। अब ये काम आपका हो गया, अभी देखो ये सब रेडी है, ठीक है। एक फाइनल इफेक्ट आपको लेना है, इलेक्ट्रिक हेलो करके आता है, वो वीडियो इफेक्ट में जाना, लेंस के पास की कैटेगरी है, रेट्रो, रेट्रो के अंदर आपको मिलेगा। ये रहा इलेक्ट्रिक हेलो, कहाँ पर है, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक हेलो, ठीक है। ये वाला इफेक्ट लेना है और ये इफेक्ट में देखो गाइस, आपको ग्लो को पहले एडिट अपन बाद में करते हैं, फिलहाल ये टेक्सचर हटाओ और फिल्टर को भी हटा दो। इसके बाद ब्लर थोड़ा सा अपन रख सकते हैं, नहीं ब्लर भी जीरो कर दो, ठीक है। और कलर अब जो गाइस अगर आप जीरो करोगे तो ग्रीन की तरफ जाएगा और 100 रखोगे तो पर्पल की तरफ जाएगा, अपन ग्रीन बनाने इसलिए अपन जीरो रखेंगे। ग्लो मैं यहाँ पर 60 कर देता हूँ। तो ये देख लो, ये आपका जो ग्लो है वो रेडी है, ठीक है। ये आपका सी ग्रीन वाला ग्लो है जो रेडी है। अभी अपन बनाएंगे कौन सा वाला गाइस, वो बनाएंगे, ठीक है, ये वाला, सॉरी। फिलहाल मैं इसका एडजस्टमेंट कर लेता हूँ थोड़े बहुत सही, ताकि थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। तो एक बार यहाँ पे स्मूथ शार्पन देख लूँ, ठीक है, ये सब सही है। और इसके बाद एक बार क्लिप का एडजस्टमेंट भी देख लेंगे और एक एज ग्लो वाला इफेक्ट है वो भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, ताकि थोड़ा ब्राइट भी हो जाए। और वैसे तो ये ठीक है, थोड़ा सा एज ग्लो यहाँ बढ़ा लिया है, ठीक है, ये मैंने काम किया है। इसके अलावा एज ग्लो थोड़ा सा ही बढ़ाना है ना, 30 के पास रखते हैं। और एज ग्लो होने के बाद गाइस अभी मैं आपको दूसरा वाला ग्लो बना के बताता हूँ, ये वॉयलेट वाला ग्लो, ये देखो ये अपन बनाएंगे। अभी आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले इस क्लिप के एडजस्टमेंट पे जाओ और जो अपन ने ग्रीन की तरफ ले गए हैं ना उन सबको ले जाओ पर्पल की तरफ, पूरा वॉयलेट की तरफ कर दो, है ना, बस ये देखो। और सेटिंग वही रखनी है, ये जो कलर है गाइस ये ब्लू और वॉयलेट के बीच वाला, इसकी अपन सैचुरेशन कम ही रखेंगे। ब्लू की जो है मेन ब्लू है, जो ग्रीन के बाद वाला कलर है इसकी सैचुरेशन बढ़ा के रखेंगे, ठीक है, लाइटनेस भी। तो इससे क्या होगा, वही शर्ट के कुछ जगहों पर ब्राइट रहेगा और कुछ जगहों पर डार्क। अब थोड़ा सा सैचुरेशन मैं यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और ये होने के बाद गाइज आपका जो है ये इलेक्ट्रॉनिक हेलो है
इसका कलर जो है वो 100 रख लेना, ठीक है। 100 रखते ही गाइज आपका जो कलर ग्रीन से है वो वायलेट में चेंज हो जाएगा ग्लो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी आपका ये वाला ग्लो भी जो है बनके रेडी है गाइज, ग्लो भी मैं शो कर लेता हूँ अभी। गाइज देख लो आपका ग्लो जो है बनके रेडी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।